इमरान खान की कुर्सी चली गई तो अब इमरान खान पर एक के बाद एक आरोप भी लग रहे हैं। सरकार गई नहीं कि एक के बाद एक करप्शन के मामले सामने आने लगे। अब एक चोरी का मामला सामने आया है जिसमें जांच के घेरे में इमरान खान भी हैं। ये मामला है डायमंड नेकलेस की चोरी का। पाकिस्तानी मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत है 18 करोड़ और ये बेचा गया लाहौर के एक मशहूर ज्वेलर को। आरोप ये भी है इसे बेचा गया पाकिस्तान के एक मंत्री की ओर से और इसे बेचने के सबूत भी मिले हैं। थोड़ी और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ये नेकलेस इमरान को एक खाड़ी देश के रूलर ने गिफ्ट किया था। इमरान की पत्नी बुशरा ने इसे बेचने के लिए दिया। कुछ और गिफ्ट बुशरा और उनकी दोस्त फराह शहजादी ने रख लिए। दरअसल साल 2021 में इमरान खान खाड़ी देशों के दौरे पर गए थे। लौटते वक्त वहां के किसी शाही परिवार ने उन्हें बतौर यादगार कुछ गिफ्ट दिए। इनमें से एक डायमंड नेकलेस भी था। नियम की माने तो इमरान को ये नेकलेस ट्रेजरी में जमा कराना था, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। कहा जाता है कि इस नेकलेस को बाद में बेचने की प्लानिंग की गई और इमरान खान के करीबी नेता और उस वक्त मंत्री रहे जुल्फी बुखारी को इसे बेचने के लिए दिया गया। बुखारी ने इसे लाहौर के मशहूर ज्वेलरी शोरूम में बेच दिया और जो रकम मिली वो बुशरा बेगम को दे दी। लेकिन ये बात हो गई लीक और इसी की होने लगी है जांच। FIA जो कि पाकिस्तान की जांच एजेंसी है, उसने जांच की और ज्वेलर से पूछताछ की तो सब कुछ सामने आ गया। दावा है कि शोरूम में जब से ये नेकलेस की डील हो रही थी उस वक्त का CCTV फुटेज भी मिला है और बुखारी उसमें नजर आ रहे हैं। खैर, नेकलेस को बरामद करके ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है, लेकिन अब इस मामले में बुशरा बीबी और बुखारी पर केस दर्ज होगा। जांच की आंच इमरान खान तक भी पहुंचेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।